आए दिन हम ऐसा कहते हैं कि सामने वाला बदल गया, या हमारे लिए लोग कहते हैं कि हम बदल गए। ऐसा होता है, ऐसा हमने फील किया है, आपने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया है कि हम भी लोगों के लिए बदल गए और लोग भी हमारे लिए बदल जाते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? किसी का बेसिक नेचर चेंज होना मजाक बात नहीं है, वो किसी न किसी रीज़न से होता है। क्या इसकी डेप्थ में हम आज तक गए हैं? शायद नहीं। आज कोशिश करेंगे इसकी डेप्थ को छूने का और ये समझने का कि लोग क्यों बदलते हैं, हम लोगों के लिए क्यों बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका आज फिर से वेलकम है मेरे इस वीडियो में। मैं अंकित, अंकित जेठानी, आज आपसे इस मैटर में डिस्कस करूँगा। कई बार जब लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मान लीजिए आपके लिए बहुत काम उसने किया, या आपको बहुत सपोर्ट सामने वाले ने किया, आपके साथ एकदम ऑनेस्ट रहा, उसके बाद भी आप उसके ऊपर डाउट करते हैं। जब ये डाउट आता है तब सामने वाले का नेचर बदलने लगता है। आप अपने ऊपर ये बात रख के देखिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं, और आप जिनका काम कर रहे हो वो आपको आए दिन आपको बोले कि नहीं यार, इसमें कुछ दिक्कत है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डिसऑनेस्टी आएगी, आप कहीं ना कहीं आगे जाके बेईमानी उनके साथ में करोगे। तो फ्रेंड्स, ये हर जगह पर होता है, ये रिलेशनशिप में भी होता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है, ये आपके वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह ये अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि आपके और उनके ट्रस्ट के बीच में थोड़ा सा गैप है जिसको कहते हैं डाउट। अब इनके अफेक्ट्स क्या होते हैं? लोग हमारे लिए क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमने उनको वो चीज़ नहीं दी जिनके वो हकदार थे, जिन पर उनका राइट था। फॉर एन एग्जाम्पल, एप्रिसिएशन। लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से लोगों का नेचर हमारे लिए बदलता है, हमारा नेचर लोगों के लिए बदलता है, क्योंकि उतना एप्रिसिएशन हमको नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। जितना हम लोगों के लिए करते हैं उतना वो हमको नहीं बताते हैं, या हमको नहीं बोलते हैं, या उतनी इम्पोर्टेंस हमें नहीं देते, राइट? लेकिन ठीक ऐसा ही हम लोगों के साथ भी करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बदल जाते हैं। देखिए, बदलते हम भी हैं, लोग भी बदलते हैं। इसके डेप्थ पे हम जाएंगे, अगर इस पे काम करेंगे, अपने आप को इसके लिए ट्रेन करेंगे, लोगों को इसके लिए ट्रेन करेंगे, तो चीज़ें बहुत सही हो सकती हैं। अब करना क्या है? शुरुआत हमको करनी है। अगर कोई कुछ काम हमारे लिए कर रहा है, या कोई कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे आपको मदद मिल रही है, जिससे आपको सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चालू करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। मैं नहीं कहता कि कंप्लेन नहीं करिए, कंप्लेन भी करिए, लेकिन जहाँ पर अप्रिशिएशन ज़रूरी है, उसने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए उसे अप्रिशिएशन अगर हम देंगे तो वो और अप्रिशिएट और मोटिवेट होकर हमें और अच्छा रिजल्ट देगा, तो वहाँ पर हमें उसे अप्रिशिएट करना होगा। और जब हम अप्रिशिएट करना चालू करेंगे तब हमें लोगों से अप्रिशिएशन मिलना चालू होगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, जो दोगे वही मिलेगा। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, जो दोगे वही मिलेगा। हमारे शास्त्र इतना तक कहते हैं, जो बांटोगे वही आपके पास आएगा। और वो तो फिर सब कर्मों का खेल है, लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी सामने वाले को अच्छा फील कराना है, ताकि उसने जो हमारे लिए दिल से किया है वो और दिल से हमारे लिए करे। और अगर हमने कंप्लेन करी तो उसने जो दिल से किया है ना दोस्त, अब दिल से नहीं करेगा, इसलिए वो बदल जाएगा। और इसका ब्लेम आप उसे नहीं दे सकते, इसका ब्लेम हमारे ऊपर है। हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इस वजह से वो बदल गया, इस वजह से उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ठीक ऐसे ही अगर हम लोगों के लिए बदल गए तो इसका ब्लेम भी हमारे ऊपर नहीं है, हमारी गलती नहीं है हम बदल गए, इसका ब्लेम पूरा जाता है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं रखा हमारा। अगर उन्होंने हमारा ध्यान रखा होता तो हम उनके लिए आज भी परफेक्ट होते, आज भी उनके लिए ध्यान से सारी चीज़ें कर रहे होते, आज भी उनको 100% दे रहे होते। तो जो बदलता है उसका कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होती, फॉल्ट होती है तो सिर्फ सामने वाले। फ्रेंड्स, इसके जो कॉजेज़ हैं, बदलने की कॉजेज़ हैं, वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं।
लाइक अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे बचपन में ही चोरी करने लग जाते हैं, स्कूल में चोरी करने लग जाते हैं, ठीक है, झूठ बोलने लग जाते हैं, पेरेंट्स के साथ में झूठ बोलते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा काम करने लग जाते हैं जो उनके घर में उनके संस्कार नहीं है। लेकिन ऐसा होता ये इसलिए है क्योंकि उन्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं, उन्हें वो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे एप्रिसिएशन की, अगर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें से कई बच्चे क्रिमिनल्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्रिमिनल्स कोई भी बाय बर्थ नहीं होते, क्रिमिनल्स हम तैयार करते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर क्रिमिनल्स हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम हैं, हमने क्रिमिनल्स को रेडी किया है। अगर उन्हें उनकी अहमियत बताई होती, उन्हें उनका इम्पोर्टेंस बताया होता, नहीं यार तो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो क्रिमिनल नहीं अभी कोई वाइट कॉलर होता। फ्रेंड्स, हर चीज़ के जिम्मेदार हम हैं। लाइक अगर हम बदल गए, इसके ज़िम्मेदार सामने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हमने किसी को अप्रिशिएशन नहीं दिया इसलिए हमको सामने से अप्रिशिएशन नहीं मिला। मैं इस बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस बात का कंक्लूजन ये है कि लोगों पे ट्रस्ट करो, लोगों को अप्रिशिएट करो और ख़ुद भी अप्रिसिएशन मांगो। आपको नहीं मिल रहा, आप अप्रिसिएशन मांगो, आप घर पे जाते हो, अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को बोलो कि मुझे अप्रिशिएट करो यार, मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मुझे अप्रिशिएट करो। ये आपको मांगना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना होगा और इसके लिए आपको लोगों को भी ट्रेन करना होगा। अब मेरा एक ही मकसद है कि हम लोग आगे बढ़ें, लाइफ को अलग नज़रिए से देखें और बहुत हैप्पीली इस लाइफ को आगे ले जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपको अप्रिसिएशन की ट्रेनिंग चाहिए या आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन आप खुद को ट्रेन करिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चालू करिए और लोगों से अप्रिसिएशन मांगना चालू करिए, अपने लोगों से। बहुत अच्छा लगेगा। आप आज ही करके देखो, आपके आसपास अभी जो कोई भी हो अपना, उसे बोलो यार मेरे में क्या अच्छी बात है, मुझे प्लीज़ बताओ ना, मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट करो। देखना 5 मिनट्स के अंदर आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी चेंज होने वाली है, पूरी चेंज होने वाली है। आप बहुत एनर्जी से भर जाओगे, आपको मज़ा आ जाएगा। अप्रिसिएशन में इतनी ताकत है, एप्रिसिएशन में हम क्राइम को रोक सकते हैं, एप्रिसिएशन से हम बहुत रिलेशनशिप्स को टूटने से रोक सकते हैं, एप्रिसिएशन से हम लोगों के बीच में लव को स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों के बीच में लव को बढ़ा सकते हैं और लोगों के बीच में अपनी एक रिस्पेक्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अप्रिशिएट करना चालू करो, नहीं मिलता है घर से मांगना चालू करो, बाहर देना चालू करो। घर से मांगोगे आप चार्ज हो जाओगे, फिर बाहर दो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज हो जाओ बाहर दो, चार्ज हो जाओ बाहर दो, और एक दिन देखना बाहर से भी लोग आपको अप्रिशिएट करना चालू करेंगे। फ्रेंड्स, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। घर में बच्चे हैं तो पहले वहाँ से स्टार्ट करिए, बच्चों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए और उससे फिर आप देखिएगा हम बहुत आगे पहुँचेंगे, हमारी लाइफ बहुत बदल जाएगी विद इन 30 डेज, आई गारंटी यू। और आपको कोई हेल्प लगे, कोई गाइडेंस लगे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल पर्सनली हेल्प यू। अब मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी बर्निंग टॉपिक के साथ में, किसी रियल टॉपिक के साथ में जिसमें हमें वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।